hello students welcome back to this channel and we were discussing about the production technology of important medicinal plants so today we will start with another uh, medicinal plant and that is what this one is abgol i hope you remember about the previous video that we have uh, discussed i hope you understand it

ओके पी एस वाई एल एल आई यू एम ओके साइलियम एन लाइक साइलियम हस्क ओके साइलियम हस्क और इसका साइंटिफिक नेम क्या है साइंटिफिक नाम है प्लान प्लान्टो ओवाटा पी एल ए एन टी ए जी ओ प्लान्टो ओवाटा ओके ओ वी ए टी ए और इसका फैमिली फैमिली क्या है प्लान्ट जिनासी प्लान्ट जिनासी ठीक है तो यहाँ पर जैसे कि आप ये इस आ, ये इस पिक्चर में देख सकते हो राइट द फर्स्ट द सेकंड राइट सो नीचे में आप देख सकते हो ये जो ब्राउन uh, कलर का है ये हस्क है ओके हस्क ऑफ सीट मतलब जो सीट को कवर करता है ना राइट डेट इज़ कॉल हस्क राइट सो जो हस्क है सीट का ओके एक्चुअली जो मेन इम्पोर्टेंस है ना इस प्लान इस मेडिसिनल प्लान में वो यही है ओके हस्क ऑफ ऑफ द सीट जो हस्क है इस सीट का जो कवरिंग है सीट का वो मेडिसिन में यूज़ होता है ओके स्पेशली इंडिजीनियस मेडिसिन जैसे कि मतलब जो पार्टिकुलर जगह है जहाँ पर ये उगता है वहाँ पर इंडिजीनियसली यूज़ करते हैं एस मेडिसिन बहुत सारे सेंचुरी से Okay, और इसका ओरिजिनेशन कहाँ से है ओरिजिनेशन मेनली एक्चुअली ये वहाँ पर ही आपको लाइक like, मिलेगा लाइक like ये जो मेडिसिनल प्लान है दैट इज पर्शिया और वेस्ट एशिया ओके तो जो ओरिजिनेशन है इसका कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है पर्शिया एंड वेस्ट एशिया ओके सो एंड देन इन मेडिसिन अगर हम लोग मेडिसिन की बात करेंगे इसमें कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है ओके देर आर सम इम्पोर्टेंट लाइक प्रॉपर्टीज एंड देन डैट तो अबाउट ओरिजिनेशन दैट आई टोल्ड यू ओके पर्शियन वेस्ट एशिया बट लाइक इन इंडिया ऑल्सो इट इज़ ग्रोन वेरी नाइसली ओके इट इज़ ग्रोन वेरी गुड और मैं आपको बताऊँगी और ये एक्चुअली बहुत यूजफुल है इसमें लाइक इफ़ पीपल आर गोइंग थ्रू डायरिया ठीक है डायरिया तो इससे एंटी डायरिया ड्रग बनता है ओके okay? सो so, ये बेनिफिशियल भी है क्रॉनिक डायसेंट्री के जिसको क्रॉनिक डायसेंट्री है उनके लिए भी बेनिफिशियल है ओके लाइक दे कैन गेट अ गुड मेडिसिन फ्रॉम लाइक फ्रॉम दिस हिसाब गोल ओके क्योंकि इस सीट और ये uh, सीट जो है ना इसके सीट को भी यूज़ करते हैं ओके सो सीट इज़ ऑल्सो यूज एज अ वट इन दिस वन इन एलोपैथिक एलोपैथिक मेडिसिन में आयुर्वेदिक और यूनानी में ओके सो इंडिया में इंडिया में लाइक इन इंडिया इट इज़ ग्रोन मोर इन दिस वन नॉर्थ गुजरात में नॉर्थ गुजरात में और कुछ एरिया जो राजस्थान में है ना कुछ एरिया राजस्थान में हरियाणा और बिहार में भी ग्रो होता है इसका ओके okay? जैसे कि इंडिया में इन नॉर्थ गुजरात नॉर्थ गुजरात में सोलह हज़ार सोलह हज़ार से बीस हज़ार हेक्टेयर तक इसका कल्टिवेशन होता है नॉर्थ गुजरात में ओके okay? सो so, या दैन इन द अदर कंट्रीज आल्सो दूसरे कंट्री में इसका कल्टीवेशन करते हैं कमर्शियल कल्टीवेशन करते हैं इसको एक्सपोर्ट करने के लिए ठीक है एक्सपोर्ट करने के लिए जो हस्क है जो इसकी कवरिंग है है ना एक्सपोर्ट होता है दूसरे देशों में भी जैसे कि यू वेस्ट जर्मनी यूनाइटेड किंगडम फ्रांस ओके और एक्सचेंज में लाइक इकोनमिकली लाइक we can earn how much okay like we can earn more annually okay uh, कोई कोई तो uh, दूसरे देशों से जब export import करते हैं like the profit can reach मतलब annually एक साल में दस करोड़ तक okay profit मिलता है now ah uh, yeah so the husk yeah that was about export that I told you just now or इसका इम्पॉर्टेंस ओके okay, इसका जो इम्पोर्टेंस है द इम्पोर्टेंस एंड केमिकल कंपोजिशन, सो द हस्क जैसे मैं बोली कि इस प्लान में जो कवरिंग है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कवरिंग है सीट का ये एक इकोनॉमिक पार्ट है के जिसमें कोलाइडल के जो केमिकल प्रेजेंट है वो है कोलाइडल म्यूसीच ओके okay, और इस कोलाइडल म्यूसिलेज में क्या है जाइलॉस है अराबिनोस है गला गलाक्टूरोनिक एसिड है ये कुछ केमिकल्स है जो यूज होता है लाइक इन मेकिंग मेडिसिन इन मेकिंग लाइक गुड मेडिसिन ओके विच कैन क्योर मैनी डिजीज जो क्योर करता है बहुत सारी डिजीज़ के सिकनेस को okay, ओके वी विल टॉक अबाउट द बेनिफिट इसके बेनिफिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसके डिस्क्रिप्शन लेट्स लर्न लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस ऑफ दिस प्लान ओके तो uh, इसका इसका जो लाइक लंबाई है कितना uh, कितना तक है दट द स्टेम ओकेट द स्टेम इट इस ऑलमोस्ट थर्टी फाइव टू फोर्टी सेंटीमीटर टॉल ओके थर्टी टू थर्टी फाइव टू फोर्टी सेंटीमीटर टॉल शॉर्ट स्टेम एनुअल हर्ब्स है ओके एंड देन जो लीव्स है ओके लाइक यू कैन सी आई डोट नो हियर इज़ नॉट दैट विजिबल बट जो लीव्स है वो अल्टरनेटली मतलब स्टेम से ही निकलते हैं ओके डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेम ओके अंड फ्लावर इन टर्मिनल टर्मिनल स्पाइक जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना आप देख सकते हो वाइट कलर के राइट टॉप पोर्शन राइट देर आर स्मॉल स्मॉल वाइट कलर फ्लावर ओके ऑलमोस्ट कितने नंबर है एक में फोर्टी फाइव टू सिक्सटी सिक्सटी एट ऑफ़ फ्लावर्स ओके बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल इज वेरी माइन्यूट ना स्मॉल है सो साइज़ में तो इसलिए लाइक टर्मिनल स्पाइक में लाइक ये टॉप पोर्शन में ऑलमोस्ट फोर्टी फाइव टू सिक्सटी फाइव नंबर्स ऑफ फ्लावर ब्लूम होते हैं और ये हाईली सेल्फ पोलिनेटेड है ओके खुद से लाइक सेल्फ पॉलिनेटेड है ओके एंड द फ्रूट इज़ कैप्सूल जो फ्रूट है वो कैप्सूल फॉर्म में है सो या सो एंड देन आफ्टर डैट या इसका जो नाम है ना इसप गोल एक्चुअली एक पर्शियन वर्ड है इसाब ए एस पी साप न लाइक एक्चुअली ये एक मीनिंग है एंड घोल इट मींस हॉर्स ईयर घोड़े का कान ना सो इट इज़ कॉल एक्चुअली इज़ टेकन फ्रॉम द पर्शियन वर्ड पर्शियन वर्ड से आता है इस गोल विच मीन्स हॉर्स ईयर ठीक है घोड़े का कान अगर बोलेंगे तो सो रेफरिंग टू द्रैक्टरिस्टिक ना जो करैक्टरिस्टिक है जो सीट uh, का शेप है ठीक है उसकी वजह से इसको डराइव किया गया है इसे एंड देन जो सीट है लाइक यू कैन सी ही द कलर कैसा कलर है डार्क रेडिश राइट एंड दे आर हार्ट ऑल्सो ओके और Uh, अगर हम बात करेंगे अब लेट्स टॉक अबाउट द सॉइल ओके एक्चुअली इट इज़ एन एरीगेटेड क्रॉप विच ग्रो वेल ऑन लाइट सॉइल ओके लाइट सॉइल में ग्रो करता है लाइक एंड सॉल ऑसो सिल्टी लोम सॉइल जिसका पी एच फोर पॉइंट सेवन टू सेवन पॉइंट सेवन जिसमें हाई नाइट्रोजन है और लो मॉइस्चर कंटेंट है बहुत अच्छा होता है इसके ग्रोथ के लिए ओके इसके ग्रोथ के लिए और ज़्यादा अगर आपको सीट चाहिए ओके तो पीएच कितना होना चाहिए फोर पॉइंट सेवन टू सेवन पॉइंट सेवन और हाई नाइट्रोजन और मॉइस्चर सॉइल का कितना होना चाहिए लो मॉइस्चर कंटेंट ठीक है एंड क्लाइमेटिक कंडीशन अगर क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत सेंसिटिव प्लान है बहुत सेंसिटिव क्रॉप है है ना क्यों वाई बिकॉज सी यू कैन सी राइट हियर एक्चुअली अगर ज़्यादा मतलब हवा चली गया लाइक इफ़ देर इज अ स्ट्रॉन्ग विन तो ये पूरा मतलब निकल जाएगा या फिर अगर बारिश हो गया राइट इफ़ देर इज़ अ स्ट्रॉग रेनफॉल बहुत सॉरी हैवी रेनफॉल अगर हो गया तो और भी डिस्ट्रॉय मतलब पूरा जो सीड है वो पूरा मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर बस ऐसे मतलब ना मतलब आ, बारिश आ, उसको क्या वॉश करेगी राइट इट विल जस्ट वॉश द सीड फ्रॉम द प्लान ठीक है तो ये कल्टिवेट होता है अच्छे टेम्परेचर में ड्राई एटमोसफियर में और क्लियर स्काई ड्राई okay? टेम्परेचर मतलब ज़्यादा विंडी ज़्यादा विंडी एरिया नहीं ओके okay? और मोर स्पेसिफ़िकली इट रिक्वायर कूल क्लाइमेट ना थोड़ा ठंडा क्लाइमेट लेकिन नॉट लाइक नॉट विंडी ओके कूल क्लाइमेट और ड्राई सनी वेदर के ये कब ये मैचूरेशन में के okay? जब ये मेचर्ड होना शुरू हो जाएगा ना तो इसको कूल cool क्लाइमेट या फिर लाइक दिस वन ड्राई सनी वेदर चाहिए ओके okay? सो so, अगर थोड़ा सा भी बारिश हो गया तो ये पूरा मतलब जो सीड है ना इट विल जस्ट लाइक सीड शेडिंग हो जाएगा पूरा सीड निकल जाएगा ओके सो दैट्स वाई एंड टेम्परेचर टेम्परेचर तो इफ इफ इट्स इफ इट जस्ट इफ़ यू जस्ट इट जस्ट हैज प्लान अगर जैसे ही मतलब सोविंग हो गया ठीक है सपोज यू आर डूइंग डायरेक्टली मतलब सीट सोविंग तो इसको टेम्परेचर कितना चाहिए जर्मिनेशन के लिए जर्मिनेशन के लिए बीस से पच्चीस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए ओके फॉर वॉट फॉर इज सी जर्मिनेशन ओके वेर आज एट द टाइम ऑफ मेचोरेशन अगर मतलब मेचोरेशन स्टेज में आ गया सो इट रिक्वायर थर्टी टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओके और एनुअली कितना रेनफॉल चाहिए एनुअली या इट इज़ नीडेड बट नॉट वन इट्स टोटली मेचोर ऐसा नहीं कि टोटली जब मेचर हो जाएगा फिर तब रेन फॉल होगा नहीं इट नीड रेनफॉल बट रेनफॉल शुड भी फिफ्टी टू वन ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ओके तेरा सा टाइम पीरियड ठीक है और कुछ वाइटीज़ है जैसे कि गुजरात इजाफ गन गुजरात इज आप इस गोल टू के गुजरात इज आप गोल थ्री ये तीन वैरायटी है जो नाम से ही आपको पता चलेगा कि गुजरात से ही रिलीज़ हुआ है ये वैरायटीज ओके गुजरात एक्चुअली गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ये वैरायटीज रिलीज़ हुए थे गुजरात इस वन गुजरात इस टू गुजरात इस गोल थ्री और दूसरा एक और वैरायटी है निहारिका कि ये म्यूटन है ओके लाइक अ म्यूटन बीन रिलीज ये म्यूटन बीन रिलीज लखनऊ में ठीक है और बहुत हाई यील्डिंग वैरायटी है इसका भी अब अगर हम लोग uh, देखो और हाँ एक और चीज़ इंडिया में इंडिया में इसका ग्रोइंग कब होता है एक्चुअली जैसे कि मैंने बोला कि इसको कूल cool और ड्राई वेदर चाहिए तो इंडिया में जो ये क्रॉप है ना ये विंटर सीजन में ग्रो होता है कि okay? नवंबर से दिसंबर तक या फिर मार्च टू अप्रैल तक रहता है ओके okay? और ह्यूमिड वेदर ह्यूमिड वेदर एंड मेचोरिटी रिजल्ट इन शटरिंग ऑफ सीट ओके ह्यूमिड वेदर होगी अगर हो गया मेचोरिटी स्टेज में तो ये मतलब इट कैन लीड टू शटरिंग ऑफ सीट मतलब जो सीट है वो शटर हो सकता है राइट इट कैन जस्ट वट इट विल जस्ट कम आउट फ्रॉम द प्लान ओके तो या सो या एंड देन पी एच यू हैव टॉक एंड देन या इवन जो सॉइल है ना सैंडी लोमी ऑल्सो इट्स फाइन ओके सैंडी लोमी या फिर बहुत ज़्यादा रिच लोमी सॉइल भी ठीक है इसके लिए और यस दिस वॉज अबाउट द क्लाइमेट एंड सॉयल अगर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे तो फील जो फील है वो वीट फ्री होना चाहिए जो अनवॉन्टेड प्लान वाहन है नहीं होना चाहिए ओके okay? और वो बहुत अच्छा मतलब इट शुड बी फाइन टिल मतलब अच्छा से उसको खुदाई करना है लाइक जो लैंड है अच्छे से खुदाई करना है ओके okay? अच्छा जर्मिनेशन के लिए ओके okay? और अगर बेड में कर रहे हो इफ़ यू आर डूइंग नॉट डायरेक्टली ऑन द फील्ड इफ़ यू आर डूइंग ऑन द नर्सरी बेड तो फ्लैट बेड इट्स फाइन ओके फ्लैट बेड सही रहेगा इसके लिए ओके okay? एंड सोविंग सोविंग कितना देखो अगर लैंड uh, अगर फ्लैट बेन में करोगे तो जो साइज है वो होना चाहिए वन पॉइंट ज़ीरो मीटर इंटू थ्री पॉइंट ज़ीरो मीटर ओके या फिर टू पॉइंट फाइव मीटर और टू पॉइंट फाइव मीटर ठीक है और अभी सीट सोविंग करोगे लैंड प्रिपेयर हो गया नाउ यू हैव टू डू दीट सोविंग ओके सीट सोविंग सो इन सीट सोविंग फ्रेश सीट फ्रेश सीट जो है ओके लाइक इट हैव टू बी सोन एट अ हाई परसेंट जमिनेशन तो जो सीट है राइट इट वेरीज ओके इट वेरीज फ्रॉम फोर टू सिक्स सी फ्रेश सीट फ्रॉम द प्रसिडिंग क्रॉप सीजन शुड बी सोन फॉर गेटिंग हाई परसेंट जमिनेशन ओके सो फ्रेश सीट जैसे ही प्रोसीड हो जाएगा लेकिन यू हैव कलेक्टेड एट जैसे ही कलेक्ट कर दिया सो यू हैव दीट अपॉर्चुनिटी टू प्लान इट ओके एंड दीट रेट वेरीज फ्रॉम फोर टू सिक्स के जी ओके एंड इट इट इज सोन इट इज सोन सी जो ये सीट रेट है ना आई टेल यू नाउ एक्चुअली सीड सोविंग सीड एट द रेट ऑफ फोर टू एट के जी पर हेक्टर इज सोन आफ्टर ट्रीटिंग इट विद फंजी मतलब चार से आठ के जी सीट एक हेक्टर फील में चाहिए है यू विल नीड यू विल नीड इन वन हेक्टर हाउ मच फोर टू एट के जी ओके तो जो लैंड है उसको पहले लाइक फंगल लाइक फंगल फ्री होना चाहिए वो जो सॉइल uh, है तो फंगल फ्री होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यू हैव टू अप्लाई फंजी साइड फंजी साइड ओके फंजी साइड एट थ्री ग्राम पर के जी ऑफ सीट ओके थ्री ग्राम पर जे पर के जी ऑफ सीट में आपको फंजी साइड लाइक यू हैव टू कैलकुलेट लाइक डिवाइड करना है उसके बाद आपको यू हैव टू अपलाई द फंजी साइड टू प्रोटेक्ट दीडलिंग फ्रॉम द पॉसिबल अटैक ऑफ डैम्पिंग ऑफ के प्रोटेक्ट करने के लिए सिडलिंग के सो लाइक जैसे ही जमिनेशन हो जाएगा ना सो एट दैट स्टेज वन इट रीज टू सिडलिंग तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए डैम्पिंग ऑफ से ठीक okay, है और सीट uh, तो बहुत छोटा है लाइक इट्स वेरी स्मॉल और बहुत हल्का है के okay, तो इसलिए सोविंग से पहले सीट को मिक्स करना है बारू से ओके फाइन सैन से ओके okay? और क्या अगर फाइन सैन नहीं है अगर बारू नहीं है तो आप उसको मिक्स भी कर सकते हो फार्म या मैन्यर के साथ एफ वाई एम राइट उसके बाद द सोविंग शुड इमीडिएटली बी फॉलोड बाई इरीगेशन जैसे ही सोविंग करोगे उसके बाद डायरेक्ट इरीगेशन करना ओके सो या सो दिस वॉज़ अबाउट

ठीक है ताकि अच्छा ग्रोथ हो ओके द द ग्रोइंग विल बी वेरी गुड सो आफ्टर आफ्टर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव डेज बीस से पच्चीस दिन के सोविंग के बाद ओके लाइक सीड सोविंग के बाद सो फर्स्ट वीडिंग इज़ डन फर्स्ट वीडिंग पहला वीडिंग कब होगा बीस से बीस से पच्चीस दिन के बाद फर्स्ट वीडिंग फर्स्ट वीडिंग पहला वीडिंग Uh, आप करोगे ओके एंड देन उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड वीडिंग दूसरा और तीसरा वीडिंग कब होना चाहिए विद इन टू मंथ्स दो महीने के सोविंग के बाद ओके सो एंड यू कैन इवन एड सम फर्टिलाइजर आल्सो जैसे कि ये नाइट्रोजन uh, 25 के नाइट्रोजन पर हेक्टर 25 के फॉस्फरस पर हेक्टर ये अप्लाई कर सकते हो दोनों ठीक है सौ so, और फिर बा बाद में भी अप्लाई कर सकते हो के okay? दूसरी बार इस्पेशली आफ्टर थर्टी डेज़ ऑफ सोविंग के स्पेशली नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोबारा ऐड कर सकते हो क्योंकि आ, ये बहुत अच्छा करता है जब आप नाइट्रोजन अप्लाई करोगे सो so, तीस दिन के सोविंग के बाद आप फिर से बीस अन uh, no. नॉट नॉट बीस ट्वेंटी फाइव पच्चीस के जी नाइट्रोजन पर हेक्टर आप अप्लाई कर सकते हो ठीक okay? सो so, mm, जो मैं बताई आपको या एंड देन या इरिगेशन तो आई टोल यू कि जैसे ही सोविंग करोगे उसके तुरंत बाद आपको इरिगेशन करना है ओके okay? और हल्का इरिगेशन करना है ठीक है हेवी नहीं एंड जो सीड है ना जर्मिनेशन कब होगा जर्मिनेशन होगा कब सिक्स टू सेवन डेज ऑफ सोविंग ओके छः से सात दिन के बाद ओके okay? सो so, अगर जर्मिनेशन पोअर है या फिर मतलब हेल्दी नहीं दिख रहा है तो सेकेंड इरीगेशन कर सकते हो तब जर्मिनेशन अगर कमज़ोर दिख रहा है लाइक अगर दिखता है ना थोड़ा कमज़ोर जो जर्मिनेशन है जो पहला प्लान जर्मिनेट हुआ है लाइक ना सो इफ़ यू सी दैट इट्स वीक सो यू कैन इरीगेट अगेन आप दोबारा इरीगेशन कर सकते हो ओके okay? सो so, और लास्ट इरीगेशन राइट मैक्सिमम अगर निकल गए स्पाइक ओके मैक्सिमम स्पाइक अगर निकल गए सो यू कैन डू डेट टाइम ठीक है सो ये कुछ या इरीगेशन एंड और या एंड यू नो इवन हेयर देर आर सम पेस्ट और डिजीज ऑल्सो जो कॉमन पेस है वो है एफिट्स ओके एफिट्स ये मेजर इंसेक्ट है इस अब गोल क्रॉप में ओके okay, और ये जनरली अपीयर होते हैं फिफ्टी टू सिक्सटी के या आफ्टर टू मंथ्स, आफ्टर सोविंग जैसे सोविंग करोगे तो पहले में नहीं नोटिस होगा ये पर बाद में फिफ्टी टू सिक्सटी डेज के बाद लाइक फिफ्टी टू सिक्सटी डेज आफ्टर सोविंग यू विल नोटिस इट तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आप ये कर सकते हो एप्लीकेशन ऑफ नीम नीम फॉर्मूलेशन जो नीम लाइक नीम बेस्ड फॉर्मूलेशन ये आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है टू कंट्रोल द व्हाट टू कंट्रोल दिस इंसेक्ट इंसे वाइट ग्रब भी और टेरमाइज भी बहुत कॉमन है इसमें ओके okay?

पेनोस्पोरा ओके पेरेनोसपोरा सो इट कॉज टू दिस और ये जो डिजीजेस है इट अपियर एट द टाइम ऑफ स्पाइक जैसे ही स्पाइक स्पाइक आ, निकलना शुरू हो जाएगा तब ये डाउन इमिल लाइक अफेक्ट करता है इफ यू डोंट टेक केयर अगर ज़्यादा अच्छे से नहीं देखभाल करोगे तो ओके okay? सो so, जो पहला सिम्टम वो क्या है आपको छोटे छोटे पैचेस दिखेंगे लीव्स में के छोटे पैचेस के दिखेंगे तो कंट्रोल करने के लिए अब ये अप्लाई कर सकते हो डाइथेन ओके यू कैन अप्लाई डाइथेन और या फिर कोई भी कॉपर फंजीसाइड के एट रेट ऑफ वॉट टू 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 पॉइंट फाइव ग्राम पर लीटर आप स्प्रे इसको स्प्रे कर सकते हो ओके और अभी अगर हम लोग हार्वेस्टिंग की बात करेंगे के सो so, हार्वेस्टिंग एक्चुअली जैसे ही सोविंग करोगे ना तो एक सौ दस दिन के सोविंग के बाद या एक सौ तीस दिन के सोविंग के बाद आप हार्वेस्ट मतलब रेडी हो जाएगा हार्वेस्ट करने के लिए ठीक है और जो मेजर्ड क्रॉप है वो येलो कलर को हो जाएंगे और जो स्पाइक है वो ब्राउनिश कलर का हो जाएगा और जो सीट है इट विल स्टार्ट शेडिंग मतलब ना निकलेगा इट विल कम आउट ओके सो इस्पेली जब स्पाइक को लाइक प्रेस करते हैं थोड़ा सा ओके और हारवेस्टिंग के टाइम में जो एटमोसफियर है वो ड्राई होना चाहिए देर शुन बी एनी मॉइस मतलब कुछ भी मतलब जो टेम्परेचर है वो उसमें नम ही नहीं होना चाहिए होता ना अगर बारिश भी नहीं होता थोड़ा लाइक इट शुड यूज बी अबिट मॉइस ना सो द क्लाइमेटिक कंडीशन शुड बी वट जो क्लाइमेटिक कंडीशन है जो एटमोसफियर है वो ड्राई होना चाहिए ओके okay, जो प्लान एक्चुअली नॉर्मली काटते हैं ग्राउंड लेवल से ओके okay, या फिर उसको निकालते हैं पूरे जड़ों से ओके okay? तो बट हार्वेस्टिंग उसके बाद हार्वेस्टिंग करने के बाद क्या लाइक द हस्क ना यू कलेक्ट द हस्क जो हस्क है वो कलेक्ट करोगे और उसको सेपरेटली यू विल स्टोर इट सेपरेटली उसके बाद उसको बेचोगे यू विल इट ओके सो एंड hmm. या yeah, जैसे कि मैं बताई कि या फिर ये भी हो सकता है लाइक इवन इफ नॉट इफ़ यू डोंट काउंट अगर काउंटिंग uh, भी नहीं करोगे सपोज ना आफ्टर वन हंड्रेड एंड टेन या वन थर्टी डेज़ के सोवे के बाद वो हो रेडी होगा तो यू कैन इवन सीट अकॉर्डिंग टू मंथ्स के महीने के ऊपर लाइक like, uh, दो महीने के बाद दो महीने के सोविंग के बाद आ, ये कर सकते हो ओके दैट इज़ ऑलमोस्ट सेम ओनली एक सौ दस से एक सौ तीस दिन तक के और कब हार्वेस्टिंग करोगे फेबररी टू मार्च हार्वेस्टिंग पीरियड है ओके सो एंड देन हाँ एक और चीज़ हार्वेस्ट भी करोगे कर ना तो अगर टाइमिंग अगर अकॉर्डिंग टू टाइम करोगे तो आ, दस बजे सुबह करना ओके लाइक like, होता है ना कोई प्लान अर्ली uh, मॉर्निंग या फिर इवनिंग कूल टाइमिंग में आप हार्वेस्ट करते हो इसको आप दस बजे सुबह हार्वेस्ट करना यू हैव टू हार्वेस्ट इट इन द मॉर्निंग ओके सो और दो दिन के बाद दो दिन के बाद ये जो uh, उम, क्या बोलते हैं लाइक like, फिर थ्रेस थ्रेस करते हो इसको ना लाइक इवन दिस वन जो राइस है थ्रेशिंग होता है ना तो इसका भी थ्रेशिंग होता है ट्रैक्टर से ओके और ये कब होगा अर्ली मॉर्निंग ओके अर्ली मॉर्निंग और इससे जो प्रोडक्ट आता है वो है इसका साइलियम हस्क ये मेन प्रोडक्ट है इस अफगुल का ओके और ये इसको कैसे निकालते हैं मैकेनिकल प्रोसेस से जिसको हम डी हस्किंग बोलते हैं डी हस्किंग ओके सो so, एंड दैन mm, ये तो बहुत अच्छे प्राइस में बिकता है जो ये साइलीम हस्क है ना हस्क हंड्रेड परसेंट प्योरिटी इज़ सोल एट हाइस्ट प्राइस राइट सो या दिस इज़ वेरी गुड एक मिनट आई विल विल टेल यू द इम्पोर्टेंस ओके एंड आई विल सेंड यू द पी डी एफ नॉट दिस वन बट अना दन जिस मे नोट्स मतलब प्रॉपर नोट्स है वहाँ पर आप उससे देख लेना एक बार फिर आपको और समझ में आ जाएगा तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स है यहाँ पर आप देख सकते हो ना यहाँ पर मैंने लिखा है रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन डायरिया को ट्रीट करता है एसिडिटी इम्प्रूव डाइजेशन स्पेशली रिलेटेड टू स्टमक जो भी स्टमक इन्फेक्शन है स्टमक का प्रॉब्लम है उसको अच्छा लाइक क्या बोलते हैं ठीक करता है है ना इम्प्रूव करता है डाइजेशन को एंड देन आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है ओके और ये बेनिफिशियल है क्रोनिक डाइसेंट्री अमोबिक ओके डाइसेंट्री एंड ऑल राइट ऑफ अमोबिक एक्चुअली क्रोनिक डिजीज इज ऑफ अमोबिक ओके सो उसे ट्रीट उसको ट्रीट करता है ओके कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है ओके एंड देन वट एल्स वट एल्स या सो दिस वॉज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हाँ इवन फूड इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है या yeah, ये मैं भूल गई या इट इज़ ऑल्सो यूज़ इन द फूड इंडस्ट्री एस्पेश कौन से फूड इंडस्ट्री में दिस वन जहाँ पर uh, ये कैंडीज़ बनाते हैं ना कैंडीज में कैंडीज बनाते हैं वहाँ पर बेनीफिशल है ये ओके इस गोल और कैंडी uh, uh, के अलावा uh, ये आइसक्रीम में भी जहाँ पर आइसक्रीम बनाते हैं ना वहाँ पर भी इसका यूज होता है और यही नहीं एक और फूड फूड इंडस्ट्री है बिस्किट ओके okay? बिस्किट भी ओके सो दिस आर सम ऑफ द सम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ हिसाब सो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल देर सो दिस वॉज द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ हिसाब फिर भी अगर कुछ भी डाउट्स है सो यू कैन लेट मी नो सो टिल देन टेक केयर थैंक यू